हमें कुछ लोगों ने कमेंट्स में प्रश्न पूछे कि हम जैन नहीं हैं, तो क्या हम जैन मंदिर जा सकते हैं। कुछ लोगों ने यह भी पूछा कि हमारे घर के पास जैन मंदिर है लेकिन जाने से डर लगता है, हमसे कोई गलती हो गई तो। देखिए, ऐसे तो राणकपुर, माउंट आबू पर आबू देलवाड़ा मंदिर, ऐसे अनेकों जैन मंदिर हैं जो अब टूरिज्म के स्पॉट्स बन चुके हैं। टूरिस्ट्स ऐसे मंदिरों के आसपास घूमने के उद्देश्य से आते हैं और जैन मंदिरों को भी टूरिज्म का स्पॉट समझकर बेसिक एथिक्स भूलकर मंदिरों में चले जाते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई गलत इंटेंशन से ऐसा कर रहा है, लेकिन हो सकता है उनको ये जानकारी न हो कि जैन मंदिर के अंदर क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए। तो आज ऐसे लोगों को भी इस वीडियो के द्वारा काफी क्लैरिटी मिल जाएगी। 10 पॉइंट्स में इस विषय को समझेंगे, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। देखिए, जैन मंदिर या जिनालय यानी कि जिन का आलय अर्थात भगवान का घर, यहाँ घर यानी लिटरल होम नहीं, रेसिडेंस समझ सकते हैं। हेड ऑफ द नेशन प्रेसिडेंट लिव्स इन राष्ट्रपति भवन और द पीएम स्टेज एट द लोक कल्याण मार्ग। इसमें ये नहीं कह सकते कि राष्ट्रपति भवन या लोक कल्याण मार्ग उनका घर है, बल्कि वो वहाँ अपने पोस्ट के कारण रहते हैं। इसी तरह जिनेश्वर भगवान या तीर्थंकर भगवान, जो कि जैनों के भगवान है, जैनों के हेड है, उनसे मुलाकात जिनालय में होती है या जैन मंदिरों में होती है। सिर्फ इतना सोच सकते हैं कि अगर हमें मौका मिले प्रेसिडेंट या पीएम से मिलने का, तो हम क्या करेंगे? डिसेंसी और डिसिप्लिन मेंटेन करने की पूरी कोशिश करेंगे ना। हम घर पर जिस तरह रहते हैं, क्या उसी तरह हम मिलने जाएंगे? बिल्कुल नहीं। हम जिस आउटफिट में घूमने वगैरह जाते हैं, क्या उसी आउटफिट में उनसे मिलने जाएंगे? बिल्कुल नहीं। हम बेस्ट जेंटल आउटफिट, डिसेंट लुक, डिसेंट वॉक, डिसेंट लैंग्वेज एक्सेट्रा का पूरा ध्यान रखेंगे। तो इसी तरह जब जैन मंदिर में यदि हम जाए, तो बेसिक 10 पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, आहार त्याग। जिनालय में किसी भी तरह के फूड, ड्रिंक्स एक्सेट्रा नहीं ले जाना चाहिए, और अगर फ्रूट्स, स्वीट्स एक्सेट्रा लेकर जाए तो मेक श्योर कि वो हम भगवान को ही अर्पण कर दे, उन्हें ही चढ़ा दे, वो हम अपने उपयोग में न ले। यानी कि भगवान को चढ़ाने के उद्देश्य से लेकर जा रहे हैं तो ही मंदिर में फ्रूट्स या स्वीट्स लेकर जाना है। बाकी कोई भी खाने पीने की चीजें, गुटखा, दवाई, पानी की बॉटल, कोल्ड ड्रिंक्स, सुपारी एक्सेट्रा साथ में रखकर मंदिर में नहीं जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, जूते, चप्पल, फुटवेयर का त्याग। जूते, चप्पल एक्सेट्रा खराब होते हैं और उनसे मंदिर भी मलिन हो सकते हैं। मंदिर में सिर्फ भगवान ही नहीं, बल्कि पूरा मंदिर इज कंसिडर्ड स्पिरिचुअल एंड रिस्पेक्टफुल। इसीलिए मंदिर में जूते, चप्पल आदि पहनकर नहीं जाना चाहिए। हाथ पैर यदि गंदे हो तो हाथ पैर धोकर ही मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, हिंसा त्याग। अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस इज वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म। अहिंसा का पालन हर जगह होना चाहिए, बट इफ इन केस वी डोंट, कम से कम मंदिर में तो त्याग करना ही चाहिए। किसी भी अन्य व्यक्ति को हमारे कारण तकलीफ ना हो, उसका हम ध्यान रख सकते हैं। हमारे भाव यानी कि इंटेंशंस भी मंदिर के अंदर प्योर होने चाहिए। किसी को मारने की, किसी के प्रति द्वेष भाव, किसी के प्रति गुस्से के भाव भी मंदिर में नहीं होने चाहिए। मंदिर में सभी जीवों का कल्याण हो, ऐसी ही प्रार्थना हमें करनी है और कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, बातें नहीं करनी चाहिए। ऑब्वियसली जब कोई पीएम या प्रेसिडेंट से मिलेगा तो वो आसपास ये नहीं देखेगा कि किसने क्या पहना है, कौन कौन आया है, और न ही वो वहां पर पीएम या प्रेसिडेंट के सामने किसी और से बात करेगा। उसका सारा अटेंशन पीएम या प्रेसिडेंट पर ही होता है। वैसे ही जब हम मंदिर में जाते हैं तब हमारा सारा अटेंशन भगवान पर ही होना चाहिए, किसी से अनावश्यक बात करने में नहीं। पॉइंट नंबर 5, अवॉइड इनडिसेंट ड्रेसिंग, हैव प्रॉपर एंड डिसेंट ड्रेसिंग। इस विषय पर ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। संक्षेप में समझ सकते हैं कि हमारा शरीर ढका हो, किसी भी व्यक्ति की नजरें हमारे कपड़ों के कारण बिगड़े नहीं, उसका भी हमें ध्यान रखना है। और हम तीन लोक के नाथ जिनेश्वर परमात्मा से मिलने जा रहे हैं, तो रॉयली ड्रेस होकर जा सकते हैं, लेकिन फूहड़ ड्रेस, हाफ पैंट, स्लीवलेस शर्ट्स एक्सेट्रा अवॉइड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, क्लीन माउथ। झूठे मुंह कभी भी मंदिर में प्रवेश नहीं करना है। बच्चों को भी खास ये ध्यान रखना चाहिए कि चॉकलेट खाते खाते अंदर न जाए, और पान मसाला, गुटखा, सुपारी जैसी कोई भी चीज खाते खाते अंदर नहीं जाना है। पहले खाई हो तो पानी से मुंह साफ करके फिर ही अंदर प्रवेश करना है। यानी कि झूठे मुंह अंदर पैर नहीं रखना है, अंदर कहीं पर भी थूकना नहीं है। डू नॉट स्पिट स्ट्रिक्टली। लगभग हर मंदिर में अब सीसीटीवी कैमराज होते ही है, इसलिए ऐसी कोई भी इनडिसेंट एक्टिविटी अगर हमारे द्वारा होती है तो उसकी कंप्लेंट भी हो सकती है। पॉइंट नंबर 7, पैर पसार कर नहीं बैठना। यानी कि हम जिस तरह घर पर कहीं भी किसी भी पोस्चर में बैठ जाते हैं, वैसा मंदिर में नहीं चलता। डिसेंसी इज मस्ट। दूसरी बात ये भी हमें ध्यान रखनी है कि मंदिर एक धार्मिक स्थान है, हिल स्टेशन या रोमांटिक प्लेस नहीं है। इसीलिए यदि कपल साथ में मंदिर जाए तो हाथ पकड़ना, अंदर वेडिंग शूट करना, ऑल दिस इज नॉट अलाउड स्ट्रिक्टली। पॉइंट नंबर 8, मंदिर की दीवार, परिसर, ग्राउंड आदि खराब नहीं करना चाहिए। मेंटेन क्लीनलीनेस। आप यदि अपने बच्चों को साथ लेकर जा रहे हैं तो बच्चे किसी भी तरह की गंदगी ना करें, इसका भी आपको पूरा ध्यान रखना होगा।
पॉइंट नंबर 9, चोरी नहीं करना, डू नॉट स्टील एनीथिंग। मंदिर में रखी हुई कोई भी वस्तु को अनावश्यक हाथ नहीं लगाना है। जैन मंदिरों में पंच धातु की कई प्रतिमाएं होती है। कई बार ऐसा हुआ है कि लोग वो प्रतिमा को सोने की प्रतिमा समझ बैठते हैं और लालच के चक्कर में चोरी कर लेते हैं। सबसे पहले बात तो यह है कि वो सोने की प्रतिमा नहीं होती, धातु की होती है। दूसरी बात, अंदर कैमराज इंस्टॉल्ड होते हैं, इसलिए ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कर्मों का बंध हो और बाद में शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, वो बात अलग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट नंबर 10, मंदिर में कुछ और बातें फॉलो करने जैसी है, जैसे झूठ नहीं बोलना, डू नॉट लाई, खराब दृष्टि नहीं रखनी, खराब वचन बोलने नहीं, सुनने नहीं, भगवान के दर्शन से ही मतलब रखना। बस सभी संघों से निवेदन है कि इस तरह के बेसिक रूल्स की एक लिस्ट बनाकर अगर हम हमारे मंदिरों एवं तीर्थों के बाहर क्लियरली लगाए तो सब अच्छे से ये नियमों का पालन कर सकेंगे। अगर हमने कोई भी बेसिक पॉइंट्स में कोई बड़ा पॉइंट स्किप कर दिया हो तो कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो ये संक्षेप में थे 10 पॉइंट्स जो मंदिर में जाते वक्त ध्यान रखने चाहिए। और सिर्फ जैन मंदिर ही नहीं, कोई भी धार्मिक स्थल पर ये कॉमन बातों का तो हम ध्यान रख ही सकते हैं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तुम इच्छा में दुखड़म। जय जिन शासन, जय महावीर।